तो स्टूडेंट, जैसा कि यह सिनोनिम्स टॉपिक पर दूसरा पार्ट है, मैंने सिनोनिम्स टॉपिक अर्थात पर्यायवाची पर पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो मैं सिनोनिम्स टॉपिक पर आपको तीन पार्ट अर्थात तीन वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, या पार्ट टू है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा। अगर आप इन तीनों पार्ट को वॉच कर लेंगे तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से तीन नंबर गेट कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे फ्यूचर में भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, तो काफ़ी हद तक मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उन प्लेलिस्ट को जरूर एक बार विजिट करके अपने टॉपिक्स को देख ले कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप उन्हें तैयार भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आपको सिनोनिम टॉपिक का दूसरा जो पार्ट है जिसमें मैं 31 से लेकर 60 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के आपको सिनोनिम शो करूँगा। तो बगैर समय वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 60 तक जो भी पार्ट वन और पार्ट टू के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले, इसके बाद एक पार्ट मैं और आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से 31 से लेकर 60 तक के इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची लिखे हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने सिनोनिम्स टॉपिक पर ऑलरेडी पहला पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। तो यह सिनोनिम्स टॉपिक पर अर्थात पर्यायवाची टॉपिक पर यह दूसरा पार्ट है। तो इस दूसरे पार्ट में हम लोग 31 से लेकर 60 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स को देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं जो 31 वाला मैंने वर्ड लिखा हुआ है आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श होता है। इसका जो सिनोनिम्स है वह है मॉडल या फिर एग्जाम्पल। अगला वर्ड जो है वह है इमोर्टल मतलब अमर होता है। तो डेथ लेस मतलब भी अमर, इटर्नल मतलब अस्थाई शाश्वत या फिर अमर। अगला वर्ड है ऑब्स्टकल मतलब बाधा होता है, हिंड्रेंस मतलब भी होता है बाधा। अगला वर्ड है ऑप्टेन, ऑप्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो गेन मतलब भी प्राप्त करना, गेट मतलब भी होता है प्राप्त करना। अगला वर्ड मैंने लिखा है प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, तो प्रोग्रेस मतलब भी आगे बढ़ना। तो सिनोनिम्स में आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा दो वर्ड भी लिख सकते हैं। अगर आप एक वर्ड लिखेंगे तो भी आपको पूरा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसको लेकर आप कन्फ्यूज ना रहें। इसके बाद अगला वर्ड मैंने लिखा है प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तो कमेंड मतलब भी होता है प्रशंसा करना। अगला वर्ड है प्रीशियस मतलब कीमती, तो इसका जो सिनोनिम्स है वह है कॉस्टली, कॉस्टली मतलब भी होता है कीमती, एक्सपेंसिव मतलब भी होता है कीमती, तो वह मैंने लिखा नहीं है। इसके बाद अगला वर्ड है जो है वह प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, चेक मतलब भी रोकना होता है, स्टॉप मतलब भी होता है रोकना। अगला वर्ड है प्राइज, प्राइज मतलब पुरस्कार होता है, तो इसका सिनोनिम्स है अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार, ट्रॉफी मतलब भी होता है पुरस्कार। अगला वर्ड है प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, तो डिफेंड मतलब भी रक्षा करना, सेव मतलब भी रक्षा करना या बचाना। अगला वर्ड है प्लीज, प्लीज मतलब प्रतिज्ञा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉमिस मतलब भी प्रतिज्ञा होता है, ओ मतलब भी प्रतिज्ञा होता है, और ओथ मतलब भी प्रतिज्ञा होता है, ओ ए टी एच, ठीक है, तो मैंने उसे लिखा नहीं है फिलहाल। अगला वर्ड है प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, तो इसका जो सिनोनिम्स है वह है एमिनेंट मतलब भी प्रसिद्ध होता है, या फेमस भी लिख सकते हैं, फेमस मतलब भी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है पोलाइट मतलब विनम्र होता है, तो कोर्टियस मतलब भी विनम्र, सिविल मतलब सभ्य या विनम्र होता है। अगला वर्ड है क्वेरल मतलब झगड़ा, तो डिस्पुट मतलब भी होता है आपका झगड़ा, और फाइट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको भी लेकर। तो अगला वर्ड मैंने लिखा है रिलायबल मतलब विश्वसनीय, वर्दी मतलब योग्य या विश्वसनीय, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास या विश्वसनीय, ठीक है। इसके बाद मैंने जो अगला वर्ड लिखा है रूड मतलब होता है असिस्ट, रफ मतलब होता है भद्दा या फिर असिस्ट, सेवेज मतलब भी होता है असिस्ट। इसके बाद अगला वर्ड है रेज, रेज मतलब उठना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना या उठना, रफ और राउज मतलब भी होता है उठना। इसके बाद रेगुलर मतलब नियमित होता है, पंक्चुअल मतलब भी होता है आपका नियमित। अगला वर्ड मैंने लिखा है स्प्लेंडिड मतलब शानदार, तो ग्रैंड मतलब भी शानदार या ग्लोरियस मतलब भी होता है आपका शानदार। अगला वर्ड मैंने लिखा है समिट मतलब चोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉप मतलब शिखर या चोटी, पीक मतलब शिखर या चोटी, और जीनीथ मतलब भी होता है आपका चोटी। अगला वर्ड मैंने लिखा है यूनिक मतलब अद्वितीय, अर्थात जिसके बराबरी का कोई ना हो, तो मैच लेस मतलब भी होता है अद्वितीय, जिसके बराबरी का कोई ना हो, ठीक है। अगला वर्ड मैंने लिखा है थिक, थिक मतलब मोटा होता है, डेंस मतलब भी आपका घना या मोटा होता है, कॉम्पैक्ट मतलब भी आपका मोटा या ठोस होता है। इसके बाद मैंने अगला वर्ड लिखा है टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है, एजुकेट मतलब भी पढ़ाना होता है, इंस्ट्रक्ट मतलब भी होता है आपका निर्देश देना या फिर पढ़ाना।
अगला वर्ड है टारगेट। टारगेट मतलब लक्ष्य होता है, तो गोयल और एम या फिर ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स। इसके बाद विजडम मतलब बुद्धिमानी, तो इंटेलिजेंस मतलब भी होता है बुद्धिमानी। अगला वर्ड लिखा है एंगर। एंगर मतलब क्रोध, तो रेज मतलब भी क्रोध और रैथ मतलब भी होता है क्रोध। अगला वर्ड है बेन मतलब सांप, तो कर्ज मतलब भी होता है सांप। इसके बाद अगला वर्ड मैंने लिखा है बियर मतलब सहन करना, तो टोलरेट मतलब भी सहन करना और सफर मतलब भी होता है सहन करना। अगला वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैंडिड मतलब सच्चा होता है, तो आउट स्पोकन मतलब सच्चा होता है या फ्रैंक मतलब भी आपका सच्चा होता है। इसके बाद 60 अर्थात जो 60वां मैंने वर्ड लिखा है वह है कनिंग मतलब चालाक, तो क्लेवर मतलब चालाक या वीटी मतलब भी होता है आपका चालाक। तो स्टूडेंट्स यह थे 31 से लेकर 60 तक इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे या सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स, बहुत ही सिंपल है, आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। और अगर आप सिनोनिम टॉपिक पर मेरे तीनों पार्ट देख लेंगे, मैंने ऑलरेडी पार्ट वन बना दिया या पार्ट टू है, इसके बाद एक पार्ट और इस टॉपिक पर आएगा, अगर तीनों पार्ट को वॉच कर लेंगे तो आसानी से आप सिनोनिम टॉपिक से जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में वर्ड देखने को मिलेंगे इससे आप आसानी से 3 नंबर गेट कर सकते हैं। 3 नंबर का यह पूछा जाता है, तो 3 नंबर आप आसानी से अगर तीनों पार्ट्स वॉच कर लेंगे तो गेट कर लेंगे। तो जाते जाते यहाँ पर 61 वाला मैंने एक यहाँ पर वर्ड लिखा है और आपको इस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो एक्नॉलेज मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम्स क्या होगा, आपको यही लिखना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोड्यूस करने का भी मुझे काफ़ी हद तक इंक्रेजमेंट फील होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।